1941 में दिल्ली की जो आबादी थी वो मात्र 9 लाख थी, लेकिन जैसे ही 1951 का जब जनगणना हुआ तो उसमें दिल्ली की आबादी लगभग 70 लाख के आसपास थी। इसका मतलब चलो 9 लाख लोगों ने बच्चा पैदा किया तो 12-15 लाख लोग हो गए होंगे, लेकिन फिर भी 55 लाख जो आबादी आई वो कहां से थी? वो सब उस समय इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, बहुत सारे प्रवासी लोग उधर से आ गए, जो पाकिस्तान से लोग आ गए, अलग अलग प्रदेशों से लोग आ गए। इसका मतलब ये है कि ये जो इनका दलील है कि हम दिल्ली के लोकल लोगों, तो लोकल कौन हो गया भाई? तुम कल आए थे, हम आज आए हैं, तो दिल्ली किसका? या तो तुम्हारा, या तो मेरा, या हम दोनों का, या तो किसी का नहीं। किसी को दिल्ली सरकार में सरकारी नौकरी EWS कैटेगरी के अंदर लेने के लिए उसको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर EWS फिर ACBC जिसको बोलते हैं कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनके लिए ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का व्यवस्था और प्रावधान क्यों किया गया? आज जब बहुजनों की बात होती है तो सरकारें हिलती है और डरती है, ये और बात है कि प्रजातंत्र होने का गलत फायदा उठाने के कारण आज जो हमारी सरकार है हम लोगों को कहीं हाशिए पे धकेल के रखा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने वाले WTP ऑल इंडिया डायमंड परिवार और बाकी संगठनों को जिन्होंने मुझ जैसे एक नौजवान को मौका दिया है आपके बीच में बात रखने का। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इस देश के सबसे अहम मुद्दे पर, और वो मुद्दा है दो। एक मुद्दा है कि दिल्ली में खास करके जब आप देखेंगे तो दिल्ली में SC कैटेगरी के लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो कई लोग उस लाभ से महरूम इसलिए रह जाते हैं क्योंकि दिल्ली के स्टेट लिस्ट में उनके जातियों का नाम ही नहीं होता। और ये जातियों का जो स्टेट लिस्ट बनाया गया है दिल्ली में वो आप मान लीजिए कि 1947 का है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि SC समाज के लोगों को सरकारी संस्थाओं और सरकारी व्यवस्थाओं से दूर रखने की साजिश की जा रही है? ये एक मुद्दा है। जो दूसरा और हमारा समाज का जो बड़ा वर्ग है डायमंड परिवार का, वो है OBC समाज जिसकी आबादी लगभग 60% के आसपास है दिल्ली और देश में। अब OBC का आरक्षण 1993 में तो दे दिया गया, समझिएगा इस बात की गंभीरता को, OBC को आरक्षण 1993 में दे दिया गया, लेकिन कहा यह गया उस समय में कि अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो आरक्षण का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको 1993 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह साजिश किया जा रहा है इस देश के ओबीसी समाज के लोगों के साथ? क्योंकि यह बात मैं तब कह पा रहा हूं जब 2019 में आप लोगों को मालूम होगा कि इस देश में रहने वाले 10% आबादी के अमीर लोगों को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमीर लोगों को जो सामाजिक रूप से, जो राजनैतिक रूप से सशक्त थे, मजबूत थे, उन 10% आबादी वाले लोगों को 10% आरक्षण दे दिया गया और उसमें कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कैटेगरी नहीं बनाया गया, चाहे वो बिहार का कोई भूमिहार हो, चाहे साउथ इंडिया का कोई ब्राह्मण हो, चाहे गुजरात का कोई बनिया हो, चाहे उत्तराखंड का कोई राजपूत हो, किसी को दिल्ली सरकार में सरकारी नौकरी EWS कैटेगरी के अंदर लेने के लिए उसको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर EWS फिर ACBC जिसको बोलते हैं कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनके लिए ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का व्यवस्था और प्रावधान क्यों किया गया? ये साजिश तो साफ साफ दिखाई देता है। और तब मुझे याद आता है वो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाया गया जो संविधान है जिसमें आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कहता है ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और फिर इक्वालिटी कहां हो रहा है अपॉर्चुनिटी में? जब एक एक
धड़े को, समाज के एक धड़े को आप आरक्षण देने में कहते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और जब दूसरा वर्ग जो 75 साल से इस देश की सत्ता में है उसको कहते हो तुमको आरक्षण के सर्टिफिकेट की जरूरत, आवासीय सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि यहां बेईमानी की जा रही है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया जा रहा है। फिर मैं मुझे याद आता है आर्टिकल 19 जिसमें यह कहा जाता है संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 19 में कि कोई भी व्यक्ति इस देश का जो रहने वाला है, जो निवासी है, वो इस देश में कहीं पर भी जाकर के अपना रोजगार रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है। और जब हम यानी इस देश के ओबीसी के लोग जब यहां आते हैं और व्यवसाय और नौकरी रोजगार पाना चाहते हैं तो उनको कहते हैं कि 1993 में ढूंढ के लाओ कि तुम्हारे बाबूजी यहां रहते थे या नहीं रहते थे। ये है ना नाइंसाफी, ये सरासर नाइंसाफी है जो दिखता है। और ये किस नाम पे ये व्यवस्था लगाया गया आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये इस नाम पे लगाया गया, इसमें कहा गया कि हम लोकल लोगों को इंप्लॉयमेंट देंगे, इसीलिए बाहरी लोगों को हम दिल्ली में उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं ताकि हम लोकल लोगों को नौकरी दे सकें। तब आपको एक बात समझाना चाहता हूं, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जो प्रवासियों का प्रदेश है, आप कह सकते हो प्रवासियों का राज्य है, क्योंकि यहां रहने वाला 90-95% जो आबादी है वो दिल्ली का ओरिजिनल नहीं है। और तब मैं आपको समझाता हूं, चलते हैं हम ब्रिटिश के टाइम में। जब ब्रिटिश पीरियड में जाओगे तो दिल्ली पंजाब का एक, पंजाब प्रोविंस का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, और उस समय की जब हम बात करें तो यहां की आबादी 2-3 लाख हुआ करती थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं 1911 में जब ब्रिटिश, उस समय कलकत्ता राजधानी हुआ करता था, ब्रिटिश ने यह कहा कि अब राजधानी कलकत्ता से उठ करके दिल्ली आएगी, तो तब यहां की चूंकि अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगा। अब ये जो लुटियंस जोन आप लोग देख रहे हो, ये सारा लुटियंस जोन उसी पीरियड में बनाया गया। और वो अब क्या होगा, बिल्डिंग बनने लगी, इंजीनियर की जरूरत होगा, कारीगर की जरूरत होगा, काम करने वाले लोगों को, फिर उन लोगों को सर्विस देने वाले, तो बाहर से लोग अलग अलग स्टेट से जो अपने जिस प्रकार का क्षमता और कैपेबिलिटी रखते थे वो आए अपने क्षमता के अनुसार यहां सर्विस देने और यहां बस गए। 1911 की बात मैं करता हूं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाद में फाइनली 1931 में दिल्ली राजधानी शिफ्ट हो गया था, उस समय आप देखिएगा कि आबादी और बढ़ गई। अब 1941 का जो सर्वे हुआ, 1941 के सर्वे में दिल्ली की आबादी मात्र 9 लाख के आसपास थी। समझिएगा इस बात को बड़ी गंभीरता से, तब मैं आपको कहता हूं कि इनका जो दलील है लोकल लोगों को इंप्लॉयमेंट देने वाला, ये एक झूठ और एक मक्कारी आपको समझ में आ जाए कि 1941 में दिल्ली की जो आबादी थी वो मात्र 9 लाख थी। लेकिन जैसे ही 1951 का जब जनगणना हुआ तो उसमें दिल्ली की आबादी लगभग 70 लाख के आसपास थी। इसका मतलब चलो 9 लाख लोगों ने बच्चा पैदा किया तो 12-15 लाख लोग हो गए होंगे, लेकिन फिर भी 55 लाख जो आबादी आई वो कहां से थी, वो सब उस समय इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, बहुत सारे प्रवासी लोग उधर से आ गए, जो पाकिस्तान से लोग आ गए, अलग अलग प्रदेशों से लोग आ गए। इसका मतलब ये है कि ये जो इनका दलील है कि हम दिल्ली के लोकल लोगों, तो लोकल कौन हो गया भाई, तुम कल आए थे हम आज आए हैं, तो दिल्ली किसका, या तो तुम्हारा या तो मेरा या हम दोनों का या तो किसी का नहीं। मैं सही बोल रहा हूं, मेरी बात में लॉजिक है या नहीं भाई, तुम कल आए थे हम आज आए हैं, या तो हम दोनों का है दिल्ली और नहीं तो किसी का नहीं है, सच्चाई है ना। इसका मतलब ये लॉजिक जो इनका है ये एक फ्रॉड है, ये फेक है और ये साजिश है इस देश के ओबीसी समाज को सरकारी नौकरियों में रोकने का। तब मैं आपको बताता हूं कि देखिए यहां पे समझिएगा, अब ये जो सरकारी नौकरियों में जो ओबीसी समाज के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है इस नाम पे कि तुम यहां के डोमिसाइल नहीं हो 1993 के, तुम्हारे बाबूजी या तुम्हारे दादाजी नहीं रहते थे तो तुमको यहां की सुविधाएं नहीं मिलती है, तो EWS कहते हो एक गरीब वाले लोगों के भी बाप दादा का ढूंढो ना, कि वो 1993 में आए थे तभी यहां दिल्ली में उनको अधिकार मिलेगा, उनके बाप दादा को क्यों भूल गए। ये दोहरी जो डबल कैरेक्टर उनका जो है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, ये बड़ा ही निंदनीय है। और इस पर हम सभी देशवासियों को, और खास करके मैं तब कहता हूं कि जो हमारा SC ST OBC समाज के जो आज के तारीख में जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे लोग हैं, उन लोगों को इस बारे में आवाज उठानी चाहिए। खैर,
यहाँ पे एक बात समझिए कि घाटा क्या हो रहा है कि अगर ओबीसी समाज के लोगों को वो फायदा नहीं दिया जा रहा है। आप समझना, इसको बड़ा आसान उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि सपोज कीजिए कि एक स्कूल में आज 15 ओबीसी समाज के टीचर, चूंकि ओबीसी के लोग उतना अवेलेबल है नहीं, तो नौकरी वो सीटें जो खाली रह रही है, अब उन सीटों के वैकेंट होने के कारण 15 टीचर कम है स्कूल में, जिसमें 50 की जरूरत थी 15 नहीं है 35 ही है। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है मेरी बातें आपको? भाई जहां जरूरत है 50 मजदूरों की, वहां 35 से काम कैसे करवा लोगे? अगर काम करवाओगे तो फिर क्वालिटी में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब एजुकेशन की क्वालिटी जो मिलना चाहिए मेरे बच्चों को वो नहीं मिल पा रहा है। आगे दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, मान लीजिए दिल्ली के एमसीडी के एक ऑफिस है, उस ऑफिस में ओबीसी के लोग नहीं है क्योंकि यहां पे उनका आवासीय सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए वो यहां पे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको क्या हो रहा है? अब आपने सुना होगा एक कहावत कि अरे सरकारी ऑफिसर्स में तो काम करवाने के लिए चक्कर काटते रहो। वो इसलिए काटते रहो कि ओबीसी और एससी समाज के लोगों को वहां पे उनकी सीटें जो है वो खाली है, और जब सीटें खाली होगी तो लाखों लोग हैं एमसीडी ऑफिस में काम करवाने वाले, वो 50 आदमी जो खाली है उसका काम कौन करेगा? और तभी होता है कि आपको तारीख पे तारीख ऑफिसर्स में मिलता है, यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस कंप्रोमाइज किया जा रहा है। मतलब सिर्फ समाज को नहीं लॉस हो रहा है, हमारे देश को भी लॉस हो रहा है, और आप जैसे जो हजारों के तादाद में यहां बैठे जो नागरिक हैं उनको भी इस लॉस का घटा, इसका हानि भुगतना पड़ रहा है। समझ रहे हो मैं आ रहा है? दूसरा जो दो पॉइंट है बड़ी गंभीर है, इससे हमारे समाज को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल दो प्रकार के नुकसान सहना पड़ रहा है। सपोज कीजिए कि एक ओबीसी परिवार का व्यक्ति, मान लीजिए आपका भाई प्रवीण को दिल्ली में नौकरी मिल गया, तो मेरा एक भाई है मनीष, वो कहेगा कि मेरा भाई भतीजा है, बेटा है, बेटी है, प्रवीण जी दिल्ली में तो आप सरकारी नौकरी आप करने लग गए, आपको सरकारी आवास मिल गया, तो उसका लाभ मेरे भी बच्चा बेटा बेटी पढ़ना चाहती है, आप क्यों नहीं इसको भी दिल्ली लेके जाते हो और आप उसको पढ़ाओ। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मैं क्या कहूंगा कि ठीक है मेरा भाई भतीजा है, आ जाओ तुम भी दिल्ली में पढ़ना। अब उसको जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, एक आदमी को नौकरी मिल जाने से उसको गाइडेंस मिल गया, गाइडेंस मिलने लग गया ना, जब दिल्ली में वो बच्चा आकर के रहने लग गया तो उस बच्चे को सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वो लाभ ये होगा कि जैसे मैं सरकारी नौकरी ऑफिस में जाऊंगा, कभी उसको भी साथ में लेके जाऊंगा, वो देखेगा कि अंकल तो जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उस ऑफिस में जो आईएएस ऑफिसर है वो देश के लिए इतना इतना काम कर सकता है, देश का विकास इस प्रकार से काम करता है, तो हम भी क्यों ना आईएएस ऑफिसर बन जाए, हम भी क्यों ना डॉक्टर इंजीनियर या जो भी उसके मन में आए वो बनने की बात मत करो, जो भी वो क्यों ना बन जाए। तो उससे क्या हो जाएगा कि उससे हमारे समाज के जो बच्चों का, जब एक व्यक्ति को या ओबीसी समाज के व्यक्ति को नौकरी मिलता है तो कम से कम 10 व्यक्ति उसका परिवार जो है उसको लाभ मिलता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इसको सोशल कैपिटल बन कहते हैं। अगर एक आदमी को फायदा पहुंचा तो ये जो 10 बच्चे मोटिवेशन से हमारे पढ़ के कल आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे वो हमारा सोशल कैपिटल बनेगा। और ये एक चीज हो गई। जो दूसरा हम फाइनेंशियल आपको घटा की बात कर रहे थे कि दूसरा जो है फाइनेंशियल उसको लॉस मिलेगा, वो फाइनेंशियल लॉस क्या होता है वो समझना बड़ी गंभीरता से। एक व्यक्ति को नौकरी मिली सरकारी और उस व्यक्ति का सैलरी सपोज करो कि 1,00,000 रुपया है, यानी एक साल में अगर मुझे नौकरी वो नहीं मिली मेरे जगह पे, तो मेरे परिवार का यानी मेरे समाज का, ओबीसी समाज का लगभग 12,00,000 रुपया एक आदमी के कारण उसका आर्थिक हानि या नुकसान हो रहा है। और सपोज करो कि दिल्ली में आज के तारीख में जितनी भी किसी भी ऑफिस में आप चले जाओगे वो सारी सरकारी ऑफिस में लगभग 50 से लेकर 80% तक ओबीसी समाज की सीटें खाली है। इसका मतलब अरबों रुपया आज के तारीख में इन ब्राह्मणवादी, मनुवादी और जो सवर्ण लोग हैं वो ओबीसी समाज के लोगों का वो फायदा होने से उनको रोका जा रहा है। तो तब मेरे एक बड़े ने समझाया कि ये तो उस प्रकार से है कि बिल्डिंग बनाई गई है कि पैलेस बना दिया तुम्हारे लिए और दरवाजा बंद कर दिया गया, घुसोगे कैसे? आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन आरक्षण दिया गया लेकिन उसके जगह पे हमको एंट्री का जगह ही नहीं दिया गया, तो हम कैसे उसका लाभ ले सकते हैं? तो ये जो मैंने आपको समझाया, एक इकोनॉमिक लॉस और दूसरा
फाइनेंशियल लॉस, इकोनॉमिक में मेरा जो परिवार को लाभ मिलने वाला था मेरे नौकरी होने से वो लाभ रुक गया, और दूसरा फाइनेंशियल में जो मॉनेटरी जो पैसा के रूप में हानि हुआ वो हमारा लॉस हुआ। तो आपको मुझे लगता है कि मेरी बातों से इतना तो समझ में आ रहा है कि ये ओबीसी समाज के साथ एक दर्दनाक, एक दुखद और एक बहुत ही निंदनीय ये घटना घट रही है जो इस देश की जातिवादी और मनुवादी ब्राह्मणवादी जो सरकारें हैं वो हमारे साथ इस प्रकार की जाति करके हम लोगों को पिछड़ा और बैकवर्ड होने पे मजबूर कर रहा है। तो तब मैं अंत में आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आज से इस बात की चर्चा आप अपने पड़ोस में करना शुरू कर देना ताकि लोग जागृत हों, ये सबसे जरूरी है। दूसरा, जो हमारे परिवार के यानी डायमंड परिवार का कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का अगर कोई विधायक है, कोई सांसद है, और आज का जो समय है मेरे भाई वो चुनाव का समय है, ये वक्त है, और सभी जब जब आपके घर पे अगर कोई नेता आए, कोई विधायक आए, कोई मंत्री आए, कोई वोट लेने आए, तो उसको कहना कि दिल्ली में जो 1993 का जो ओबीसी का जो पैमाना तुमने एक दरवाजा लगा के रखा है उसको खत्म करो, नहीं तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। ये जागृति फैलना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो हमारा अरबों रुपया का लॉस और हमारा परिवार एक बेहतर जिंदगी जीने से जो उसको रोका जा रहा है, हमारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिलने से उसको रोका जा रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। और हम कल भी पिछड़े थे, आज भी पिछड़े हैं, और आने वाले समय में भी पिछड़े रहेंगे। इसीलिए इस मुद्दे को आप लोग उठाना अपने विधायक और सांसदों के माध्यम से भी। जो ओबीसी कैटेगरी का जो लोग है हमारा, उसमें एक जो बात है वो बहुत एससी समाज का, सॉरी एससी वाला जो मैंने बात कही कि जो मुद्दा मैंने उठाया कि दिल्ली में, मैं आपको बताया कि भाई जिस समय पंजाब प्रोविंस का ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, बाद में 1857 की क्रांति के बाद ये सहाद्रा वाला जो इलाका है उसको ऐड किया गया दिल्ली जिला में, और उस समय जो एससी समाज की जातियां दिल्ली में रह रही थी उन्हीं जातियों को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। नतीजा ये हो रहा है कि जितना हमारी वैकेंसियां आ रही है, और आज के तारीख में दिल्ली में हजारों वैकेंसियां साल भर में आती है, अब हमारे लोग चूंकि जो बाहर के लोग हैं जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है वो हमारे, जैसे मैं उदाहरण, मैं बिहार से हूं, बिहार में पासवान एक जाति है, वो मेरा ही है, वो एससी समाज का है, वो डायमंड परिवार का जाति है, वो दिल्ली में जब आता है तो वो जनरल कैटेगरी का हो जाता है क्योंकि उस लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। अब समझ रहे हो मेरी बात? अब वो जो आदमी वहां से पिछड़ा हुआ था, वहां से जो दलित है, वहां आर्थिक रूप से मजबूर है, कमजोर है, और सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से कमजोर है, दिल्ली में आकर के क्या वो ज्ञानी हो गया, क्या वो शिक्षित हो गया, या सामाजिक रूप से उसका अपलिफ्टमेंट हो गया? तो तब आप देखोगे कि एससी समाज के भी सारे डिपार्टमेंट में 50-70% सीटें जो है आज दिल्ली में खाली है, यही कारण है उसका। तो मैं जिस प्रकार से दिल्ली में आज तक लगभग 2,500 अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया, उस प्रकार से भी जरूरत है कि एससी समाज की जो स्टेट लिस्ट में जिन जातियों का नाम है, आज के तारीख में जो जातियां दिल्ली में रह रही हैं, उन जातियों का भी नाम उसमें ऐड किया जाए और इनको जो आरक्षण की जो सुविधा है वो इनको मिलना शुरू हो जाए। और इसके लिए आप लोगों के माध्यम से इस देश के सभी निवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग, जब चुनाव का समय है, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, चुनाव का समय है, जब जब आपकी गली में कोई नेता है उसको कहना कि ये तमाशा क्या लगा करके रखे हो, हमको पिछड़ा और कितने साल तक रखने का इरादा है, और अगर इसको खत्म नहीं किए तो हम वोट नहीं देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान।